साहब साहब ये बस स्टैंड पे चोरी करता है साहब। साहब ये झूठ बोल रहा है, मैंने कोई चोरी नहीं की। साहब ये बक्सा चोरी का है, हमने इसे बस स्टैंड से उठाते हुए देखा है। नाम क्या है तेरा? जावेद खान। बाप का नाम? अली मोहम्मद। देख सच सच बोलेगा तो जाने दूंगा, अदरवाइज बहुत बुरी प्रॉब्लम में फंस जाएगा। साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आई की कसम। आप तो बेवजह मुझ पे शक कर रहे हैं। मैं एसएससी के एग्जाम के लिए अलीगढ़ जा रहा था, लेकिन मेरी बस लेट थी तो इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया और मुझे आपके पास ले आए। एग्जाम देने जा रहा था? हाँ। एडमिट कार्ड दिखा। एडमिट कार्ड बक्से में। खोल बक्सा, दिखा एडमिट कार्ड। चाबी कहाँ गई? क्या हुआ, चाबी नहीं मिल रही? साहब लगता है चाबी कहीं गिर गई है। मैंने तुझसे बोला था ना सच सच बता, जाने दूंगा, तुझ जैसा को सीधा करना मुझे आता है। साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा एडमिट कार्ड और सारे डॉक्यूमेंट इसी में है। शिंदे तोड़ ताला। आराम से भी, आखिरी सिगरेट है। लेकिन बड़ी पैसों की? अरे ले लेंगे यार, तो दे यार। वैसे ही धंधा मंदा चल रहा है, टेंशन इतनी है, क्या करें। कोई ना यार, हम भी मेहरबान होगा। मेहरबान का तो भाई पता नहीं, देखो जब होगा तब देखेंगे, अभी तो चल रही है, कट रही है। अबे वो देख, अबे भाई भाई हो गया अपना जुगाड़, जुगाड़ अपना। चल 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 चल, पकड़ 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 पकड़। अब भाई कहाँ को चलती सवारी? अब हमारे एरिया में हमी से होशियारी। क्या हुआ भाई? अरे शरीफ तो ऐसे बन रहे जैसे कुछ पता है ना क्या किया हो। भाई इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रहे हो, आखिर किया क्या है मैंने? वो तो सब पता चल जाएगा जब पुलिस वाले के पिछवाड़े पे डंडे लगेंगे ना, अपने आप पक देगा तूने किया क्या है। चले। अरे भाई, अरे अरे अरे, अरे भाई कहाँ ले जा रहे? सब पेपर तो मिल रहे हैं। अच्छा नाम देख इसमें जरा, किसका लिखा है? नाम है जावेद खान। बाप का नाम? बाप का नाम अली मोहम्मद। क्या बात कर रहे हैं, इधर देखा। अच्छा तो तू सच बोल रहा था। एक बात समझ में नहीं आई, इस बक्से पे जय श्री कृष्ण क्यों लिखा है? ओहो तो आप इस बक्से की वजह से मुझ पे शक कर रहे थे। अगर मेरे बक्से पे जय श्री कृष्ण लिखा है तो इसका मतलब ये थोड़े ना है कि मैं चोर हो गया। नहीं वो बात नहीं है,
बात यह है कि तू एक मुसलमान और बक्से पे लिखा है जय श्री कृष्ण, वो जमा नहीं। सर मेरे अब्बू आर्मी में थे और 1997 की जंग के टाइम वो देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए थे। मेरे जन्म के वक्त मेरी अम्मी का भी इंतकाल हो गया, ना तो मैंने अपने अब्बू को देखा और ना ही अपनी अम्मी को। मुझे मेरी आई ने पाला है जो कि एक हिंदू थी, उन्होंने ही मुझे पढ़ाया लिखाया और मेरी परवरिश की। और जब मैं 8वीं कक्षा में था तो मेरी आई भी अल्लाह को प्यारी हो गई। मेरी आई कृष्ण भगवान को बहुत मानती थी और जब एक हिंदू औरत होके वो एक मुसलमान के बच्चे की परवरिश अपने बेटे की तरह कर सकती हैं, तो क्या मैं उनकी याद में अपने बक्से पे श्री कृष्ण ही लिखवा सकता? ये लो शिंदे, स्टेशन तक छोड़े इसे। अरे रहने दीजिए सर, मैं चला जाऊंगा, नजदीक ही है। जावेद, ऑल द बेस्ट।